आइए अब सीखे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी एक एडवर्ब को सेंटेंस में कहाँ लिखना चाहिए या कहाँ नहीं लिखना चाहिए। आइए सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, यानी उस एडवर्ब्स की बात करें जिसे काम करने का ढंग का पता चलता है या काम करने का तरीका का पता चलता है। ये एडवर्ब्स हैं स्लोली, केयरफुली, इजिली, कामली, फास्ट एटसेट्रा। ये सभी ऐसे एडवर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप इसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखें। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं मैंने एडवर्ब्स ऑफ मैनर को वर्ब के बाद लिखा है, और अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मैंने एडवर्ब्स ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये बात सीखा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अगर हम बात एडवर्ब्स ऑफ टाइम की करें, यानी उन एडवर्ब्स की बात करें जिससे टाइम का पता चलता है या वक्त का पता चलता है, जैसे नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे एटसेट्रा। ये सभी ऐसे एडवर्ब्स हैं जिन्हें वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैंने एडवर्ब्स ऑफ टाइम को वर्ब के बाद लिखा हुआ है, या अगर मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, ऑफन, जनरली, नेवर, रेयरली, ये सभी ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, और इसे आप सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखेंगे। बाय द वे, अगर आपका सेंटेंस ऐसा हो जहां हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, तो उस कंडीशन में आप इन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। यानी छोटा में आप ये समझ सकते हैं कि ये सभी वर्ड्स मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल मेन वर्ब के पहले किया हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी वो एडवर्ब जिनसे जगह का पता चलता है उसे हम मेन वर्ब के बाद लिखते हैं, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर आप उसे ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जहाँ मैंने एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। अगर आपके एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आए हुए हों, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें जो है MPT, यानी सबसे पहले आपको लिखना चाहिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी वो वर्ड जिसे काम करने का तरीका या ढंग का पता चले। उसके बाद आपको लिखना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो एडवर्ब जिसे जगह का पता चले, और फिर लास्ट में आपको लिखना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वो एडवर्ब जिसे टाइम का पता चले। तो अगर आपके एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आ गए तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखें। उसके बाद जब एडवर्ब्स लिखने का चांस हो तो सबसे पहले आप लिखें एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आप लिखें एडवर्ब ऑफ प्लेस, और लास्ट में लिखें आप एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि यहाँ पर आप कई सेंटेंसेस देख सकते हैं, इनमें जो वर्ड्स रेड हैं वो सभी एडवर्ब्स हैं, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, और इनमें जो दूसरा वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसमें जो तीसरा वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए फ्रेंड्स लास्ट में एक और दिलचस्प बात सीख लें। इवन और ऑनली दो ऐसा वर्ड है जिसे आप सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं, इसे वर्ब के पहले भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे वर्ब के बाद में लिख सकते हैं। यानी इन दोनों वर्ड्स को आप सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं और वर्ब के बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि जब आप इनका पोजीशन इधर उधर करेंगे तो इनके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने तीन सेंटेंसेस लिखा हुआ है, और पहले सेंटेंस में मैंने ऑनली का इस्तेमाल सब्जेक्ट के पहले किया है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने ऑनली का इस्तेमाल वर्ब के पहले किया है, और तीसरे सेंटेंस में मैंने ऑनली का इस्तेमाल वर्ब के बाद किया है। तो आइए देखें इन सब का क्या मीनिंग है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑनली सी कैन स्पीक, यानी सिर्फ वह बोल सकती है, यानी इस सेंटेंस का सेंस है कि कोई दूसरा नहीं बोल सकता है, सिर्फ वह बोल सकती है।
अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें, सी कैन ऑनली स्पीक, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ वह सिर्फ बोल सकती है, यानी इस सेंटेंस का सेंस है कि वह लिख नहीं सकती है, वह सिर्फ बोल सकती है। और तीसरा सेंटेंस है, सी कैन स्पीक ऑनली, यानी वह सिर्फ बोल सकती है, इस सेंटेंस का सेंस है कि वह सिर्फ बोलने का काम कर सकती है, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकती है, यानी खाना पकाने का काम नहीं कर सकती है, बाजार जाने का काम नहीं कर सकती है, वो कोई काम नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो एक काम कर सकती है, वो है बोलना। कि जब मैंने एडवर्ब ऑनली का पोजीशन सब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले या वर्ब के बाद किया तो कैसे उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस लेसन को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।